अब एक बात बताइए, योगी जी ने जो ये गायें छोड़ रखी हैं खेतों में और लोग वहाँ घरों से निकल के खेतों में पड़े हुए हैं, फिर भी खेती पैदावार नहीं दे रही, इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छी तरह की महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने बहुजन समाज पार्टी, बसपा के साथ बसपा सरकार बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं। 2017 में पेट्रोल डीजल क्या रेट था ये बताइए आप मुझे। अच्छा, महंगा जी। बीजेपी के, बीजेपी के साथ जी। हाँ, बीजेपी के साथ जी। उन्होंने काम अच्छा कराया, मतलब गुंडागर्दी भगाई है ऐसे। बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ की सरकार बढ़िया है, बढ़िया है, हाँ? क्या बढ़िया? गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बसपा के कैंडिडेट्स हैं बाहरी हैं, हम लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पार्टी देखकर आप जा रहे हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं? बीजेपी का बहुत अच्छा विकास है, और बीजेपी हर किसी के हर आदमी के हित में काम करती है बीजेपी। अच्छा, आप किसके साथ जा रहे हैं? महेंद्र सिंह खड़कवंशी जिंदाबाद। अच्छा, बीजेपी के साथ। हाँ, 25,000 वोटों से है बीजेपी के साथ। कार्य देखिए, आप भी जानते हैं कि क्या बीजेपी ने कार्य किया है। आप पूरे नहीं, हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों की नाराजगी है कि बेरोजगारी महंगाई ने लोगों को परेशान कर रहा है। कोई रोजगार बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार है। और युवाओं का एक बड़ा कष्ट है कि वैकेंसियां हैं लेकिन रिक्तियां हैं, फिर भी नहीं निकाल रही। ये तो कांग्रेस की परंपरा पहले से चली आई थी, उन्होंने कौन सा कोई नौकरियां दे दी, क्या कर दिया? आप कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में होता है वो सवाल उससे किया जाता है। अब तक तो 10 साल या 15 साल से ही तो चेंज आई है, उससे पहले तो कांग्रेस ही थी। नहीं, जो सत्ता में होता है सवाल उसी से। सबको काम मिलेगा, सबको नौकरियां मिलेंगी, घबराइए नहीं। आप किसके साथ छोड़े जाएंगे? आप किसके साथ जा रहे हैं? सपा के साथ जा रहे हैं। हाँ जी, सपा के साथ। सपा के साथ क्यों है? हाँ। अब एक बात बताइए, योगी जी ने जो ये गायें छोड़ रखी हैं खेतों में और लोग वह घरों से निकल के खेतों में पड़े हुए हैं, फिर भी खेती पैदावार नहीं दे रही, इसका जिम्मेदार कौन है? कि गौ तस्करी है आजकल गौ तस्करी नहीं हो रही है। एक बात बताइए, ये तो एक चक्र है जी, छोटे छोटे जीवों को बड़ा जंतु खाता है, उससे बड़े को, ये तो एक प्राकृतिक चक्र है, अन्य ये इतनी तादाद में हो जाएंगे, फिर बताओ आप। अच्छा, योगी जी कहते हैं गुंडे सारे जेल में हैं, हमारे राज्य में गुंडे सारे जेल में हैं, कानून व्यवस्था हर सरकार में गुंडा है, हर सरकार में। अच्छा, हर सरकार में, हर सरकार में प्रूफ करके दिखाते हैं योगी जी कि उनकी सरकार में गुंडा नहीं है, बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करते हैं। नहीं नहीं, हर सरकार में गुंडे, हर सरकार में गलत काम होते हैं। नाराजगी किस बात की? सारे नेता नाराजगी किस बात की योगी सरकार से? आपने 5 साल देखा नाराजगी? अरे कोई एक रीजन हो तो बताया विजय। नहीं बताइए ना, दर्शकों को समझ तो आना चाहिए ना भाई। अब पब्लिक के मन में चल क्या रहा? सन 2017 में पेट्रोल डीजल क्या रेट था ये बताइए आप मुझे। अच्छा, महंगाई मुद्दा है, विकास है हमारे क्षेत्र का। हसनपुर विज्ञापनों में करें हम 4 लाख विकास, आप मुझे तो आप हसनपुर का विकास बताइए कहाँ हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमने विज्ञापनों में देखी और कहीं भी देखी, बैनर पोस्टर में देखी, 4 लाख। यार एक बात बताइए, राजा एक गांव का प्रधान है या घर का मुखिया है, वो अपने परिवार को साथ लेकर चलेगा या फिर उन्हें नोचेगा? इनका नारा ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। घर का मुखिया है, वो अपने परिवार को साथ लेकर चलेगा? यहाँ क्या होता है, यहाँ एक रेत वाला जो बग्गी वाला गरीब आदमी है सुबह को रेत लेकर आता है, उससे 100-100 रुपए की उगाही हुई है, मेरे सामने हुई है। अच्छा, एक नाराजगी है देखी जा रही है, वाले उगाही हुई है। अच्छा, हम ग्राउंड हसनपुर विधानसभा में घूम रहे हैं। किसने करी? विधायक जी के क्या कह रहे हैं आप? है विधायक जी के चेले चपाटों ने उन्होंने ही करी और किसने करी है? हसनपुर विधानसभा में एक हम जो लगातार घूम रहे, लोग कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी, सपा ने बाहरी प्रत्याशी लिया और बसपा ने नहीं है, ये तो पार्टी का डिसीजन है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आसिम हुसैन। आज की डेट में यहाँ अखिलेश जी स्वयं आके इलेक्शन लड़ते, क्या वो बाहरी प्रत्याशी नहीं थे? जो पार्टी का वोट है वो पार्टी को जाना चाहिए। अच्छा, बाहरी से आपको कोई दिक्कत नहीं है? बाहरी से कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोले क्या, जो ही सरकार बने वैसा उसमें नहीं नहीं पब्लिक इंडियन किसके साथ? हम तो सभा वाले हैं भाई साहब, खुल लो। मुखिया जी के साथ क्या? अगर आप वोट देने जाएंगे तो आपके कुछ मुद्दे आपके दिमाग में कुछ
समीक्षा लेंगे कि आप किसके साथ, आप किसको वोट दे रहे हो। रुक जाइए, हम बात कर लेंगे। आप वोट देने जाएंगे, आपके दिमाग में क्या मुद्दे हो? योगी जी के साथ रहेंगे, योगी की सरकार। अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं। महंगाई ऐसा क्या किया योगी जी ने जो आपको बहुत पसंद आया और उनके पसंद आया, उनका काम पसंद आ रहा है? क्या पसंद है बताइए। यही जो साफ सफाई बहुत अच्छी करवाते हैं, वो सब बहुत अच्छा काम करा उन्होंने यहाँ पे। तो ये हसनपुर विधानसभा के एक बाजार की तस्वीरें थी, जहाँ हम अलग अलग लोगों से उनकी राय जानी। दोस्तों, आप किसके साथ जाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।